खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर गांवों की सरकार बनने के लिए ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची जारी कर दी गई। जिला पंचायत की 60, क्षेत्र पंचायत की 15 और ग्राम पंचायत 1193 सीटों के लिए अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन कर दिया गया। इस पर 8 मार्च तक दावे और आपत्तियां ली जाएगी, जिसके बाद 15 मार्च को अंतिम प्रकाशन सूची जारी कर दी जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने आरक्षण की अंतिम सूची जारी करते हुए बताया कि सूची में जिला पंचायत सदस्य पद की 60 सीटों में 24 को अनारक्षित प्रस्तावित किया गया है। वहीं 11 महिलाओं, 10 पिछड़ा वर्ग, 6 पिछड़ा वर्ग की महिला, 6 अनुसूचित जाति व 3 सीटें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख की 15 सीटों में से 6 अनारक्षित, 1 अनुसूचित जाति व 3 अनुसूचित जाति महिला, 3 पिछड़ा वर्ग, 2 पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव किया है। यह जानकारी देते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने आज हमारे संवाददाता को बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। देखिए, पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में जो हमें जो पंचायत के वार्ड, पंचायत के प्रधानों का, पंचायत के वार्डों का, क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों का और क्षेत्र पंचायत के वार्डों का और जिला पंचायत के वार्डों का 2 तारीख और 3 तारीख में अनंतिम प्रकाशन किया जाना था, जो हम लोगों ने तैयार किया है और आज उसको जो है अंतिम प्रकाशन करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे जिला पंचायत के वार्ड हैं, तो जिला पंचायत के यहाँ पे हमारे 60 वार्ड हैं और 60 वार्ड में जो हमारे यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं वो 9 वार्ड किए गए हैं और जो उसमें 3 महिलाएं और 6 अनुसूचित जाति के पद हैं, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए किए गए हैं वो 16 पद हैं, जिसमें 10 अन्य पिछड़ा वर्ग और 6 स्त्री के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार कुल स्त्रियों के लिए हमारे जो है जो सामान्य अनारक्षित लेडीज़ हैं उसके लिए 11 पद और स्त्रियों के कुल हमारे 1/3 टोटल सीटों के 20 पद आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार जो है जो हमारे जो वहाँ से हमारे ये थे क्या कहते हैं जो क्षेत्र पंचायत सदस्यों का वो है, क्षेत्र पंचायत के पदों का आमंडन किया गया है, उसमें हमारे जो है जो 1193 टोटल ग्राम पंचायतें हैं जिन्होंने हमारे क्षेत्र पंचायत के जो वार्ड हैं वो 1467 वार्ड हैं, जिसमें हमारे 84 अनुसूचित स्त्री के लिए पद आरक्षित किए गए हैं, 155 अनुसूचित जाति के लिए स्त्री किए गए हैं, इस प्रकार 239 हमारे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षित किए गए हैं वो स्त्री के लिए 134 पद किए गए हैं, 255 पिछड़ा वर्ग के लिए किए गए हैं, इस प्रकार 389 पद हमारे पिछड़ा वर्ग के लिए किए गए हैं और अनारक्षित 276 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। और इस प्रकार जो कुल लेडीजों की बनती है ओबीसी एससी और अनारक्षित लेडीज़ की वो जो है 494 पद हमारे ये अनारक्षित लेडीज़ के लिए किए गए हैं। जो हमारा प्रधान पंचायतों का वो था डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमारा जो कि वहीं से आया था, उस प्रकार हमने इनका आमंटन भी किया है। इसमें जो हमारा आरक्षण था वो 1093 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष हमारा जो है 66 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति की स्त्रियों के लिए आरक्षित की गई हैं और अनुसूचित जाति के जो के लिए आरक्षण है वो 116 है और जो हमारा कुल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद हैं वो 182 पद आरक्षित किए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री के लिए हमने 116 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 213 पद और टोटल इस प्रकार पिछड़े वर्ग के लिए 329 पद आरक्षित किए गए हैं। कुल स्त्री अनारक्षित स्त्री के लिए हमारे 221 पद आरक्षित किए गए हैं और इस प्रकार 461 पद हमारे टोटल उसके लिए आरक्षित किए गए हैं स्त्रियों के लिए। ये हम अनंतरिम प्रकाशन आज करने जा रहे हैं, फिर हम जो है 4 से 8 तारीख तक इसकी आपत्ति लेंगे, फिर जो है 9 तारीख को आपत्ति का कलेक्शन होगा, 10 से 12 तक आपत्तियों का परीक्षण के निस्तारण किया जाएगा और जो है 14 तारीख को 13 से 14 में इसका अनंतिम प्रकाशन किया जाएगा और 15 तारीख को हम इसकी सूची फाइनल सूची जो है शासन को प्रेषित करेंगे।